alaikum students it is the lecture number eight of chapter number four in this lecture we will solve exercise 4.3 so open your docket page number 58 exercise 4.3 students you know that we have to change all these sentences into passive voice is exercise mein diye hai, sentences future indefinite ke so you can see the structure of future indefinite tense here. इन एक्टिव वॉइस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ सब्जेक्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम जब इस टेंस को पैसि वॉइस में कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर चला जाएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद वी पोट हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉयस में हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी and we know that we use third form of verb in passive voice and after the third form of verb and before our object we put preposition by let's start sentence number 1 he will sell a house a house स्टार्टिंग में आ जाएगा बिकॉज इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस अ हाउस के बाद हेल्पिंग वर्ब पुट करना है विल बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब है यहाँ पर सेल सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड सोल्ड के बाद बाय एंड ही हिम में कन्वर्ट हो जाएगा अ हाउस विल बी सोल्ड बाय हिम नेक्स्ट आई शेल इन्वाइट हिम हिम स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज़ ही ही के बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी वर्ब है इनवाइट इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी इनवाइटेड इसके बाद बाय एंड आई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट होके मी हो जाएगा ही विल बी इनवाइटेड बाय मी नेक्स्ट वी शेल बाय अउस अ हाउस स्टार्टिंग में आ जाएगा अ हाउस के बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी बाय की थर्ड फॉर्म बॉट बाय अस नेक्स्ट वी शैल नॉट सिंग सॉन्ग्स सॉन्ग्स इज़ द ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा सॉन्ग्स के बाद हेल्पिंग वर्ब विल एंड देंटेंस वॉज गिविन इन नेगेटिव एंड वी नो दैट जब हमारे पास टू हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यूज़ करते हैं सॉन्ग्स विल नॉट बी सिंग के थर्ड फॉर्म संग संग के बाद बाय एंड वी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा अस सॉन्ग्स विल नॉट बी संग बाय अस नेक्स्ट शेल वी सिंग सॉन्ग्स दिस सेंटेंस इज इन इंट्रोकेटिव सो पहले हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे वी इज़ द सब्जेक्ट सिंग इज़ द वर्ब एंड सॉन्ग्स इज द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स सॉन्ग्स स्टार्टिंग में आ जाएगा बट दिस सेंटेंस इज़ इन इंट्रॉगेटिव सो इंट्रॉगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं टू हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा विल सॉन्ग से पहले आ जाएगा विल सॉन्ग्स और बी सॉन्ग्स के बाद आएगा दैन वी हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंह की थर्ड फॉर्म होती है संग बाय वी एस में चेंज हो जाएगा So sentence Banjaga, will songs be sung by us? नेक्स्ट वर्ड विल यू रीड दिस सेंटेंस इज़ इन डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वर्ड एज इट इज़ हम नीचे राइट कर देंगे वर्ड के बाद विल हेल्पिंग वर्ब है यू सब्जेक्ट है और रीड इज़ द वर्ब यू ऑब्जेक्ट की प्लेस में चला जाएगा लास्ट में यू से पहले हमने बाय यूज करना है रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है और इसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था कि जिससे हमें स्टार्टिंग में ले आते इसलिए रीड से पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल बी राइट कर देंगे सो सेंटेंस बच जाएगा वर्ड विल बी ज द डब्ल्यू एच वर्ड विल इज द हेल्पिंग वर्ब हेल्प वर्ब है और हर ऑब्जेक्ट है सो हु बाय हु में कन्वर्ट हो जाएगा हर ऑब्जेक्ट था स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा शी उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा जो कि है विल और सेकेंड हेल्पिंग वर्ब शी के बाद आ जाएगा बी और हेल्प थर, uh, की थर्ड फॉर्म होती है helped बाई होम विल शी बील्प्ड नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस वैन द होली कुरानब्ल्यू एच वर्ड है एज इट इस नीचे राइट कर देंगे विल हेल्पिंग वर्ब है दे सब्जेक्ट है एंड द होली कुरान इज़ द ऑब्जेक्ट द होली कुरान इस्टार्टिंग में आना चाहिए लेकिन uh, में एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है सो द होली कुरान लिखने से पहले विल राइट करेंगे विल द होली कुरान बी होली कुरान के बाद आएगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करनी है बाय दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा वैन विल द होली कुरान बी रिसाइट बाय देम ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे नोट डाउन योर होम टास्क डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री इन द ए आर चैप्टर नंबर फोर टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़